हेलो बच्चों, जैसा कि नीट का डेट अनाउंस हो चुका है और ये डेट अब 26 जुलाई को है, सबको पता चल गया है। मैं आपसे दो तीन दिन डिले होकर जुड़ रहा हूँ, ठीक। इसके पीछे दो दिन मैं डिले हूँ, मैं इसके पीछे ये कारण है कि आपने प्लानिंग किया होगा कि हमें क्या करना है आपके अकॉर्डिंगली, ठीक है। आपने अब प्लानिंग किया है कि हमें क्या करना है, अब मेरे अकॉर्डिंगली केमिस्ट्री में आपको प्लानिंग करना है कि हमें क्या करना है। मेरे बच्चे, सबसे पहले ठीक ये आप ये समझिए कि कुदरत ने हमको जो है एक मौका और दिया है। जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो गई थी, जो लोग सेलेक्ट होना चाह रहे थे, अब वो रैंक लगाने को सोचें, ठीक। अब यहाँ दो तरह के बच्चे होंगे। एक बच्चा ये सोच रहा होगा कि अरे यार, कैसे इतना दिन का समय मिल गया, क्या करें क्या ना करें, ठीक है, हमारी तैयारी तो हो गई थी, अभी एग्ज़ाम होता तो सेलेक्ट हो जाते। नहीं बेटा, आपको ये सोचना है कि हम तो सेलेक्ट हो रहे थे, अब इतने दिन के बाद हमको जब एक और मौका मिला है, ठीक है, इतने दिन का जो फासला बढ़ा है एग्ज़ाम का, इसमें हम अब रैंक लाएंगे, ठीक है। लखनऊ के अंदर रैंक लाएंगे, यूपी के अंदर रैंक लाएंगे, ऑल इंडिया के अंदर रैंक लाएंगे, ठीक है। ये सोच के अपनी पढ़ाई करिए, देखिए अभी मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और वाकई फिर रैंक आएगा, जब आपके अंदर खुद से ये फीलिंग्स उठेगा तो आपको ये रैंक मिलेगा, ठीक है। जिन बच्चों को लग रहा था कि नहीं, मेरी तैयारी नहीं हो पा रही थी, ठीक है, उनके लिए एक और मौका है। अब वो सोचे कि मुझे सेलेक्ट होना है, ठीक है, अब सारी चीज़ों को समेटना है, धीरे धीरे सारी चीज़ों को समेटें, ठीक। अब आते हैं अपने केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट पे, हमें अब क्या करना है। पहले हम लोग 5 क्वेश्चन का सीरीज कर रहे थे, 5 डिफरेंट चैप्टर से, तो वो सीरीज चलेगा, 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन एक चैप्टर से, और वो चैप्टर केवल फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स होंगे। किसी फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर उठाएंगे और उसके 5 क्वेश्चन IIT एडवांस IIT मेंस के करा देंगे, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक में, जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक एपिसोड्स कर रहे थे, वो इनऑर्गेनिक एपिसोड्स वैसे जारी रहेगा, ठीक। उसके अलावा जो जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है NCERT से इनऑर्गेनिक्स में, वो मैं आपको वीडियोज बना के दूंगा। उन वीडियोज में याद करने का तरीका कैसे होगा ये मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक। ऑर्गेनिक में, ठीक है, सारे नेम रिएक्शन एक जगह कर दूंगा, सारे रिएजेंट एक जगह कर दूंगा, ठीक है, कन्वर्जन कैसे क्या होता है ये कर दूंगा, ठीक। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के का आर्डर सिखा दूंगा, ठीक है, और ESR कौन तेज़ी से देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन तेज़ी से देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन तेज़ी से देगा, किस चैप्टर में मेन रिएक्शन क्या होता है, एल्केन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, एल्कीन एल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, एल्किल हैलाइड एल्कोहल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, एसिड और उसके डेरिवेटिव्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और एरोमेटिक्स और बेंजीन रिंग के अंदर जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको वीडियोज बना बना के दूंगा। और इसके अलावा ऑर्गेनिक में एक काम और करेंगे, मैंने जो एनालाइज किया है पेपर्स का, तो पेपर्स को NCERT के रिएक्शंस को ही ऑप्शन में रख रहे हैं, तो हम लोग NCERT पेज नंबर वाइज, ठीक, NCERT पेज नंबर वाइज जितने भी पेज पे NCERT पे दिए हैं ऑर्गेनिक के कंटेंट में, ठीक है, उसको मैं पेज नंबर लिखूंगा और बोर्ड पे लिख के उसको एक्सप्लेन कर दूंगा और उसी का वीडियो जो आपको तक फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे, इस तरह से हमारी प्लानिंग होगी 26 जुलाई तक का, और JEE मेंस के जो बच्चे दे रहे हैं, IIT के प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे दे रहे हैं, उनके लिए फ़ायदा होगा और नीट वालों के लिए बेसिकली फ़ायदा तो है ही है, ठीक। तो इन्हीं सब के साथ मैं आपको ये बोलूँगा कि हम लोग जो है सेलेक्ट होंगे, ठीक है, इसी साल सेलेक्ट होंगे, ठीक है, खूब मेहनत करेंगे, बचे हुए दिन पे जितना हमको मौका मिला है, ठीक है, हम पूरी स्टेमिना लगा के तैयारी करेंगे, ठीक है, रैंक देंगे, ठीक, रैंक देने के बाद, ठीक है, हम इंजॉय करेंगे, अपने परिवार को खुशी देंगे, ठीक है, अपना कैरियर संवारेंगे, अपने इस सिलेक्शन से मम्मी पापा को खुश करेंगे, ठीक है, ठीक। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया, सेलेक्ट होंगे हम 26 जुलाई को, ठीक। ऑल द बेस्ट।